सॉल्ट के टॉपिक में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ, अगर आप आपको ये टॉपिक आसान भी लगे ना, दैट्स टोटली ओके, गुड है, लेकिन इसे हल्का मत समझना, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें निचोड़ लेगा। देखो 2018 के बाद एटीपी का पैटर्न, 17 के बाद, 2017 के बाद एटीपी के पैटर्न में चेंज आया। जब हमारे साथ अभी तुम एटीपी स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत अंदाजा होगा इसका। तो उससे पहले सॉल्ट के टॉपिक से एटीपी, देखो केमिस्ट्री का एटीपी जो ना सबसे बड़ा एटीपी है, फिजिक्स का एटीपी भी इतना बड़ा नहीं है, बायोलॉजी का तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, केमिस्ट्री का एटीपी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 9 सवाल आते हैं कम से कम, या 10 भी आ जाते हैं कभी कभी, और मार्क्स में 75 मार्क का पेपर है। पिछले तीन चार साल वाले बच्चे जो थे वो तो मजे उड़ा रहे थे, वो तो मजे ले रहे थे। क्यों मजे ले रहे थे? कि एग्जाम्पशन का ऑप्शन खुला हुआ था, हालांकि कोविड की वजह से एग्जाम्पशन का ऑप्शन था। हालांकि मैंने अपने किसी बच्चे को एग्जाम्पशन लेने नहीं दी, दो चार रिबेलियस बच्चों ने ली अपनी मर्जी से, जिनको बाद में नुकसान ही हुआ सिवाय एक के। लेकिन एटीपी एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक नल्ले बच्चे को भी आपको ना फुल मार्क्स स्कोर करने का मौका प्रोवाइड करता है, क्योंकि लर्निंग नहीं है। जो मैं कराऊंगा तुम साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, यू विल फील इट के कुछ डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि तुमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है लेकिन अब तक कोई खास मालूमात नजर नहीं आ रही एटीपी के बारे में। इसका मतलब है एक्सक्लूसिवली कभी फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो अब एटीपी के लिए मैं बता ही रहा था टॉपिक शुरू करने से पहले, कि सॉल्ट का जो टॉपिक है ना, पहले वाले एटीपी में सॉल्ट एनालिसिस नाम का एक क्वेश्चन आता था, जो कि 8 मार्क कभी कभी 9 मार्क का भी होता था, ठीक है। तो एटीपी 75 मार्क में 9 मार्क आपको इस टॉपिक से मिलते थे, सॉल्ट से, सिर्फ सॉल्ट, एसिड बेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन 2017 के बाद हमारे एटीपी में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया, कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आएगा वो करके दिखाना है, और फला फला ढिमकाना ढिमकाना। पहले एक आध साल में तो बच्चों को बिल्कुल ही पागल हो गए के, और लेकिन अच्छा क्या हुआ कि उस टाइम पे एग्जम्पशन का भी चल रहा था ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं नरम गरम चलता रहा सिलसिला। लेकिन सॉल्ट ये का जो टॉपिक है ना, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का जो क्वेश्चन है वो अगेन 9 मार्क 11 मार्क तक का एक नया क्वेश्चन है, और उसके अंदर भी सॉल्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर सॉल्ट आप समझ लीजिए उधर भी आ रहा है और सॉल्ट एनालिसिस अभी भी आता है, तो सॉल्ट एनालिसिस और ये दोनों मिलाकर आप समझे 9 9 अगर मार्क्स भी हुए तो 18 मार्क आपको एक सॉल्ट के टॉपिक से मिल जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको सॉल्ट के टॉपिक से 18 20 मार्क का पेपर बनता है। और फिर आप मोल का जो टॉपिक है, जो हम पहले मोल के ऊपर बड़ी जब बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि एटीपी के अंदर मोल ही मोल का जो टॉपिक है ना, वो 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट मोल से आते हैं। एक मिनिमम 14 से 16 मार्क का क्वेश्चन होता है और दूसरा मिनिमम 10 मार्क का होता है। तो अगर 14 और 10 भी पकड़ लें तो 24 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो 44 मार्क का, 44 45 मार्क का पेपर 2 टॉपिक से बनता है एटीपी का। तो इसलिए एटीपी बहुत अच्छा भी हो सकता है आपका अगर ये 2 टॉपिक तगड़े हो आपके, और बहुत बुरा भी हो सकता है क्योंकि आपके दोनों टॉपिक आपको 44 मार्क, यानी आधे से ज्यादा पेपर ही इन 2 टॉपिक्स पर होता है, और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो आपके रैंडम टॉपिक से जो आपने पूरे सिलेबस में पढ़े होते हैं मुख्तलिफ चीजें पूछी जाती हैं। तो इसलिए यानी देखो ना, पेपर 1 में सॉल्व के टॉपिक से एटलीस्ट 2 MCQ आएंगे, दो, ये आपको पता है। उसके बाद पेपर 2 में कभी सॉल्व आता भी है कभी नहीं भी आता, एक आध पार्ट में कहीं ना कहीं घुसेड़ ही देता है एग्जामिनर। लेकिन एटीपी के लिए आपको पता है क्या आएगा और फिर भी आपकी तैयारी ना हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं आप, फिर आप भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, धोखेबाज हो, क्योंकि अपने आप से धोखा कर रहे हो। चाहिए ए स्टार, सॉल्ट का टॉपिक नहीं आता। तो इसलिए मैं एटीपी में भी जब स्टार्ट कराऊंगा तो मैं सॉल्ट प्रिपरेशन इंशाल्लाह सारे ग्रुप में उनको सॉल्ट का टॉपिक जो है ना मैं बता दूंगा एटीपी शुरू करने से पहले। आज सॉल्ट के 2 हिस्से हैं, सॉल्ट के 2 हिस्से हैं, दोनों अलग अलग आपको आने चाहिए। पहला हिस्सा आएगा तो ही दूसरा आएगा, वरना नहीं आएगा। और असल में एग्जाम में सेकंड पार्ट, सेकंड टॉपिक ऑफ सॉल्ट वो आपको आना चाहिए। तो पहला हिस्सा जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक समझने की एक प्रिपरेशन है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए।